राधे राधे, शुभ ये लड़की मेरे समझ के परे है। अरे पूरा घर उसने सर पर उठा रखा है, सुबह से मेरी पूजा तक नहीं हुई। एक काम करो लल्ला, इसे कमरे में ले जाओ, बुढ़ापे में इतना हड़कंप हमसे बर्दाश्त नहीं होता, जाओ। जी। अम्मा जी आप आइए, जरा देखते। राधे राधे। जी जी, पेपर्स आपने वादा ब्रेकफास्ट में साइन करेंगे। हमें नैना को रूम में छोड़ के आता हूँ, फिर करता हूँ। एक सिग्नेचर ही तो करने हैं, इतना क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, करिए ना। इतनी जल्दी क्या है योग, साइन ही है ना। रिलैक्स, वापस आके करता हूँ। हाँ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। शगुन आई थी ना दवाई देने? हाँ, रख के गई थी। पगलेट मरवाएगी मुझे। तुम टाइम पे दवा नहीं लेती हो ना, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। मुझे शगुन के हाथ से दवाई नहीं लेगी। तुम्हारा कमरा इतना बिखरा क्यों है? आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। शकुन, ये क्या है? ये क्या है? शगुन आई थी। शगुन कहाँ है? शगुन कहाँ है? इतने जोर से चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मैं नहीं बताऊंगी ना, मैं नहीं बताऊंगी। है ना, ना शगुन कहाँ है? मेरी बला से वो मर जाएगी। शगुन मर जाएगी। शगुन, नैना छोड़ो मुझे। शगुन, शगुन की जान खतरे में है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। छोड़ो मुझे। शुभ, 5 मिनट में शगुन मर जाएगी। शगुन, शगुन, ताई, शगुन, बहुरिया, शगुन, शगुन, ताई का है? कहाँ है ताई? ढूंढो, शगुन। अजीब सी बदबू आ रही है, एग्जॉस्ट कर देता हूं। भगवान, ये आग कैसे लगी? योग, योग, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ, जल्दी जाओ। योग, अम्मा जी, हमारा किचन क्या हो गया? आग कैसे लगी? नहीं दिया, आग लग गई किचन में। योग, जल्दी आओ। शकुन जल जाएगी, शकुन मर जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी। चलो, क्या बोल रही है? वो मर जाएगी, फिर मैं सिर्फ चुप के साथ रहूंगी। चुप सिर्फ मेरा पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ। हाँ।
उसके साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ, शगुन मर जाएगी। नहीं बाबा, नहीं है। कुछ हो रहा है। अम्मा जी, अम्मा जी। लाला, शगुन अंदर क्या कर रही है जुगान? अरे सब कुछ करो लाला, जल्दी। मेरी ताई मर जाएगी, जल जाएगी, हाँ? मेरी ताई चलेगी? ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे बस मेरी ताई चाहिए जिंदा। लल्ला, जल्दी कुछ करो लल्ला। तो ये तुम्हारी पायल है जी? शकुन की पायल। शकुन, शकुन को मारने चली थी? क्यों? किसके कहने पे? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें उसकी साड़ी लेने के लिए कहा था? बोलो नैना। चिल्ला मत, बोल। मैंने भी दोगी। नैना, वो लोग कौन हैं? मैं बताती। वो दोनों। कौन दोनों? वो दोनों।
जिन्होंने मुझे बांधा था, बांध के गाड़ी में बांध के लेके जा रहे थे वो दोनों, फूफा और चाचा। उन्होंने कहा था शुक्र है, चलो एक काम तो ठीक से हुआ इस बड़बोली पागल से। फूफा, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ताई, तू ठीक है ना? हाँ। कहीं लगी तो नहीं तुझे? युग, मैं ठीक हूँ। तुझे क्या हो गया? क्यों तू ऐसी हरकतें कर रहा है? बुआ ने बताया मुझे कि तूने नैना के साथ क्या किया। तूने उसे आग में फेंक दिया। अरे जो किया वो अच्छा किया, और तू उसकी तरफदारी मत कर। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। तुझे क्या हो गया? यही सिखाया मैंने तुझे? अरे तू क्यों नहीं समझ रहा है कि पागल नहीं, उसकी तबीयत खराब है। अरे नैना नैना नैना, हर कोई नैना नैना कर रहा है। शकुन का क्या, ताई का क्या? युग, तेरी ताई तेरे सामने खड़ी है ना, एकदम ठीक ठाक। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ताई आज ठीक है, लेकिन कल का क्या? ताई मैं कह रहा हूँ, उस लड़की का इस घर में रहना तेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। अरे 3 बार हमला कर चुकी है तेरे पर, और क्या गारंटी कि आगे नहीं करेगी? युग, मैं समझ सकती हूँ तू नैना से गुस्सा है, पर तेरी ताई बोल रही है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। ताई, तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तेरा ख्याल रखूंगा। उस लड़की को उसकी सजा जरूर दे के रहूंगा मैं, और जिया जी को सबक भी सिखा के रहूंगा। तू बोलना क्या चाह रहा है युग? ताई अब बोलने का वक्त नहीं है। करके दिखाने का वक्त है। दोनों माफी के लायक नहीं। नहीं है, आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो शगुन, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ। चाचा और फूफा ने अपनी सारी हदें पार कर दी है, और ये जो सब हो रहा है ना, ये सबके पीछे वो दोनों है। सर, वो दोनों तो ऑलरेडी जेल में है ना। आए हाय, मुझे एक जन्म में कितने दुख उठाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ उनसे बात करने जा रहा हूं, देखते हैं। जीजा जी, एक मिनट। एक एहसान करके जाइए मुझ पर, ये पेपर्स पे साइन करके जाइए। सुबह से लेके घूम रहा हूं। इन सब चीजों का वक्त नहीं है युग। यार आप तो जानते ही हैं, बिजनेस चलाना आसान नहीं, हर एक सेकंड, हर एक मिनट का लॉस हो रहा है। मैन कम ऑन, आपका साला हूं, इतना तो भरोसा कीजिए। चलिए साइन कीजिए। सर एक बार पढ़ तो लीजिए। युग ने पढ़ लिया ना, तो मैंने भी पढ़ लिया, एक ही बात है। बहुत जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है तुझे। नैना की दवाइयां निकाल रही हो? हाँ, गुड। वैसे एक बात तो बोलनी पड़ेगी, बड़ी अजीब सी हो तुम। कितना कुछ किया उस नैना ने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उसकी चिंता करना नहीं छोड़ोगी। रुको, नव्या तो बच्ची है, उसने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें इस घर से 40 घंटे में निकालेगी, पर नहीं निकाल पाई। लेकिन मैं
तुझे 48 घंटों में मैं इस घर से बाहर निकालू। ठीक कहा आपने चाची, नवे तो बच्ची है ही, पर आप, आपने उम्र में बड़े होके एक ऐसी लड़की का फायदा उठाया जो दिमाग से कमजोर है। और हाँ, तजुर्बा मुझे भी है। और कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको इस घर से निकलना पड़े। तजुर्बा, शायद तुम भूल रही हो कि वो मुझे तुमसे ज्यादा है। वैसे नैना और शुभ एक ही कमरे में रहते हैं ना, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, है ना? आज की रात अगर उन दोनों की सुहाग रात ना बनवा दी ना मैंने, तो मेरा नाम सुपरस्टार बिंदु नहीं। चली जाऊंगी, मैं तो सिर्फ तुमसे एक ही बात पूछने आई हूँ, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनना चाहती नैना। समझ सकती हूँ कि शुभ सर तुम्हारे पति हैं, पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना कि वो मेरे पति भी हैं। मैं अपना हक कैसे दे दूं तुम्हें? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो। एकदम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ करती हूँ तो मेरा शुभ परेशान हो जाता, बहुत परेशान हो जाता और मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। तुम बस जाओ, जाओ ना, जाओ ऐसे, जाओ 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 ऐसे, जाओ जाओ। काम हो गया ना? काम तो हो ही जाएगा, लेकिन सोच लीजिए इस चक्कर में आपका काम तमाम ना हो जाए। शुभ जायसवाल का सब कुछ हड़प लिया है आपने, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, तो काम करो। भैया ये सब साफ कर देते हैं और जो भी जल गया ना सामान वो कचरे में फेंक देते हैं। हाँ युग, ताई क्या कर रही है? कुछ नहीं, किचन की सफाई करवा रही हूँ। आज के बाद तुझे सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? भैया ताई सब कुछ बदलने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ ताई, बहुत बड़ा। पर से पाने के लिए मुझे तेरी परवरिश थोड़ी देर के लिए भूलनी पड़ी। ऐसा क्या करने वाला तू युग? तुझे तेरा हक दिलाने के लिए शुभ जायसवाल के सारे हक छीनने वाला हूं मैं। जो पेपर्स मैंने इसमें साइन कराए थे ना, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थे। अगले 20 मिनट में शुभ जायसवाल की सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस मेरे नाम होने वाला है। युग, युग तेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या बोल रहे तू? तू ऐसा नहीं कर सकता युग, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरा भाई है ना, तू मेरी बात सुन। ये सब कुछ तेरा नहीं है, ये शुभ सर का है। देख, तू मेरा भाई है ना, प्लीज तू ऐसा मत कर। जो भी कर रहे हैं तो बस रुक जा, प्लीज मत कर ऐसा। रुकना तो जीजा जी को पड़ेगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और उनकी गलती को सही करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। बाय ताई। युग, युग मेरे पास, युग। शुभ सर, We'll be right back.
अच्छा संकल्प। क्या हुआ? नैना ठीक है ना? अरे नैना गई बाहर में, बहुत कुछ गलत होने वाला है, मुझे तुझे बस बताना था। मैंने मैंने शगुन को युग से बात करते हुए सुना, उस दिन आओ देखा ना तो और घर के बाहर भाग गए। लेकिन कहाँ? अरे पता नहीं, वो युग को बोल रही थी कि ये सब कुछ युग सर का है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। सुन सुन, तूने सुबह पेपर साइन किया था ना, तूने पढ़े नहीं ना, याद कर तूने कुछ देखा उस पर क्या लिखा था, बोल ना, याद कर। ये युग कुछ तो गड़बड़ करने जा रहा है, ये दोनों भाई बहन मिलकर ना हमारे साथ कुछ। दादी, शगुन पर एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। टेमू, बधाई हो मिस्टर यू, शुभ जायसवाल की सारी जायदाद के मालिक आप बन गए, शुभ जायसवाल की पूरी जायदाद आपके नाम होगी।